चलिए एक नई स्टूडेंट से मिलते हैं, सोनी अग्रवाल, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 216 है और इनको एनआईटी वारंगल अलॉट हुआ है। तो सोनी, आपको सबसे पहले इस रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, एनआईटी वारंगल के लिए भी। थैंक यू सो मच सर। सोनी, ये जो हम इंटरव्यू लेते हैं, इसका एक ही पर्पस होता है कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि बच्चे जब बताएं तो वो अपनी सक्सेस जर्नी बताएं, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बताएं, उन्होंने कब क्या प्लान किया, जैसे आपने निमसेट के लिए कब सोचा, ग्रेजुएशन के बाद सोचा या उसके आगे, तो वो सारी जो मैं चाहूंगा कि आप अपनी सक्सेस जर्नी बताएं, जिससे जब बच्चे सुने तो वो अपने आप को कनेक्ट कर पाए। थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले तो मैं अपनी इस रैंक के लिए सर आपको, प्रदीप सर को, पूरी इंपीटस फैमिली को, अपनी फैमिली को, मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको और जिन टीचर्स ने मुझे अभी तक पढ़ाया सिखाया उन सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी। मैं जब बीएससी फाइनल में थी तब मुझे एक सीनियर दी थी जिनके थ्रू ये पता चला था कि निमसेट का एग्जाम होता है और उनको भी एनआईटी रायपुर में एडमिशन मिल गया था उस टाइम। तो फिर मैंने भी निमसेट की जो प्रिपरेशन की थी वो सेल्फी की थी क्योंकि उन्होंने भी सेल्फी की थी, तो मैंने सोचा मेरे से भी हो जाएगा। लेकिन मैंने जब 2018 में की थी प्रिपरेशन तो उस टाइम टाइम मेरे पास काफी कम था, सिर्फ 2 मंथ बचे हुए थे एग्जाम के लिए। तो मैंने 2 मंथ की अपनी सेल्फ प्रिपरेशन की और निमसेट का एग्जाम दिया था, लेकिन जो मेरी रैंक थी वो 1800 थी तो मेरा एनआईटी में नहीं हो पाया था। तो उस टाइम मैंने डीएलएड एक कोर्स होता है उसमें एडमिशन ले लिया था जो कि जिसके थ्रू गवर्नमेंट टीचिंग के लिए जॉब लगती है बेसिक डिपार्टमेंट में। वो मैंने उस टाइम मुझे वो ऑप्शन बेटर लगा तो फिर मैंने वो चूज कर लिया। लेकिन उसके बाद भी मेरा इंटरेस्ट एमसीए करने में ही था, ये मन था कि मैं एनआईटी जैसे कॉलेज से पढ़ूं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर से ट्राई किया जाए, फिर से अच्छे से प्रिपरेशन की जाए। तो मुझे इम्पीटस गुरुकुल के बारे में पता चला तो फिर मैंने इम्पीटस गुरुकुल को अक्टूबर 2020 में ज्वाइन कर लिया जो कि मुझे ऐसा लगता है मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन रहा था। फिर उसके बाद क्योंकि मैं ऑनलाइन स्टूडेंट रही हूँ तो फिर मैंने लाइव क्लास जैसे होती थी टाइम टू टाइम ली थी, बहुत ही सब सिस्टमेटिक होता था, जैसे क्लास लेना फिर उसके बाद डीपीटी सॉल्व करना, फिर सर के द्वारा, सर आपके द्वारा भी डीपीटी को सॉल्व कराना, फिर उसके बाद पीडब्ल्यूपीटी होती थी, फिर उसके बाद संडे टू संडे टेस्ट होते थे, उनका सर आप एनालिसिस कराते थे, बताते थे कि कैसे इसकी एक सही अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन की, कैसे इसे एक सही टाइम में जल्दी से जल्दी किया जा सके। तो वो सब बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था और धीरे धीरे सब कंटिन्यू भी होता जा रहा था। और मेरी भी जब भी मैं एनालिसिस करती थी तो यही दो मेन रहता था मेरा भी कि मैं कम टाइम पे कर सकूं और जो मेरे वीक एरियाज है मैं उन्हें पकड़ सकूं कि मैंने कहाँ गलती की है और नेक्स्ट टाइम मैं वो गलती को अपने को सुधार लूं। ऐसे ही और आराम से मेरा मैथ होता जा रहा था, जो वीक एरिया थे वो भी होते जा रहे थे कवर। फिर उसके बाद रीजनिंग पढ़ाई थी प्रदीप सर ने और मैथ पढ़ाया था, वो भी काफी अच्छा लगा था जो एप्टीट्यूड कराया था सर ने। और जब सर ने रीजनिंग पढ़ाई थी तो उसमें मैं अपनी एक बात बताना चाहूंगी कि सर ने सिलोगिज्म पढ़ाया था तो उस टाइम वो मुझे इतना समझ में नहीं आया था तो मेरे से वो क्वेश्चन नहीं बन गए थे। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब से पढ़ लिया जाए अलग से या बुक से पढ़ लिया जाए या किसी फ्रेंड से पढ़ लिया जाए, लेकिन सबकी अलग अलग अप्रोच थी और मैंने वो अप्लाई भी करके देखी लेकिन मेरे से वो क्वेश्चन बने ही नहीं। मैंने कहा अब क्या किया जाए, सिलोगिज्म तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, मेरे से ये क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। फिर मैंने प्रतीक सर के दोबारा से जो रिकॉर्डेड वीडियोस थी वो देखी और मैंने जो सर ने छोटे छोटे पॉइंट बताए थे ध्यान रखने के लिए वो सारे ध्यान से सुने। फिर उसके बाद ओनली एक ही ऐसी बात थी जिससे सारा सिलोगिज्म सॉल्व हो सकता है, वो बात ये थी कि तुम बस ये देखो कि कैसे ये कंक्लूजन तुम्हारा रॉन्ग साबित हो सकता है, अगर ये तुमने रॉन्ग साबित कर दिया तो तुम्हारा काम हो गया। तो उससे मेरा पूरा सिलोगिज्म होता चला गया। तो इसके लिए मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंट आया कि मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अगर मैं सर की वीडियो रिकॉर्डेड दोबारा से देखूंगी तो मुझे कुछ और नया सीखने को मिलेगा ही जरूर, तो मैंने वही किया। बाकी ये था कि मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाती थी, जैसे सर आपने पढ़ा दिया तो फॉर्मूला अलग लिख लेती थी, कुछ और बातें होती थी वो अलग लिख लेती थी और उनसे भी रिविजन अपना करती थी। बाकी सर ये है कि जब मैं 12th क्लास में थी तो मुझे डोमेन नॉलेज बिल्कुल समझ में नहीं आया था और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो वो तो मेरे से हो ही नहीं रहे थे, लेकिन जब सर आपने वो जो अप्रोच बताई थी कि 3 क्वेश्चन को रिजेक्ट करो और उसके बाद जो एक एक 3 ऑप्शन को रिजेक्ट करो उसके बाद जो एक ऑप्शन बचता है वही तुम्हारा सही ऑप्शन हो जाएगा, तो मैंने अपनी वही वाली अप्रोच उसमें लगाई और मेरे सारे क्वेश्चन उससे होने लगे डोमेन नॉलेज के।
ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। बाकी का ये है कि कंप्यूटर में भी बहुत ही अच्छा लगा, जब सर ने पढ़ाया, उसकी सारी सीट्स वगैरह कराई तो उसमें भी बहुत कॉन्फिडेंट आ गया। तो मेरे सारे सब्जेक्ट ही काफी अच्छे से होते चले गए, पता भी नहीं चला कब इतना सब कुछ कवर होता चला गया। बस यही है। अच्छा सोनी, आपने जैसे अभी बताया, क्योंकि मैं जब ये इंटरव्यू लेता हूँ तो बहुत सारी नई चीजें भी पता चलती है, जैसे आपने ऑनलाइन घर पर रहकर पढ़ाई की, आपका 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, फिर आपका बाई चांस रैंक नहीं आया, निमसेट आपने एक साल देके छोड़ दिया, फिर आप टीचिंग प्रोफेशन वाले प्लान से आपने ज्वाइन करा, फिर उसके बाद अब ये करा, यानी एक बेसिकली देखें तो 2018 से 2021 थ्री ईयर का गैप एक तरह से मान सकते हैं, या थ्री ईयर आपकी लाइन ट्रैक चेंज हो गया था। तो ऐसे में ये डिसीजन लेना बहुत टफ होता है। कई बच्चे जिनको सेकेंड या थर्ड ड्रॉप लेना होता है एमएससी के बाद, सोचते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई आपके पास ऑप्शन क्या है, अगर आपके पास इससे अच्छा ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो एमसीए कर सकते हो। तो ये आपकी लाइफ का मुझे बहुत अच्छा डिसीजन लगा और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लगा। तो बॉयज भी लेने से कई बार घबराते हैं, आप गर्ल्स भी, गर्ल्स थी, तो इस तरह के डिसीजन जब आपने लिए तो आपको घर वालों के साथ या ओवरऑल क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी वो जरूर बताओ, क्योंकि ये जो आपका इंटरव्यू है ना, ये उन सब बच्चों के लिए बहुत आइडियल चीजें होंगी कि वो जो कंफ्यूज होते हैं, जिनके 2-3 साल हो जाते हैं, वो सोचते हैं हम क्या करें, और आपने गर्ल्स होकर डिसीजन भी लिया, रैंक भी अचीव की, अच्छे कॉलेज में जा रहे हो और आगे जाके अच्छा जॉब भी करोगे, तो मैं चाहूंगा ये जरूर बताओ आप। सर मेरा यही था कि जब मैं अपना कोर्स कर रही थी तब भी मेरा मन यही होता था कि मैं एमसीए करूं, एनआईटी में जाऊं, लेकिन मेरा मन उधर साइड ही रहता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए, क्योंकि जो चीज तुम्हें पसंद होती है या जो लाइन तुम्हें पसंद होती है, जब वो मिल जाती है तो उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मेरे माइंड में बस यही था। बाकी घर वालों की तरफ से पूरा सपोर्ट रहा, उन्होंने यही कहा कि तुम्हारा जो मन है वो तुम करो। तो फिर मैंने कहा हाँ, मुझे एक बार और ट्राई करना है, तो फिर सब हो गया आराम से। वेरी गुड, बहुत अच्छा डिसीजन था आपका। देखिए क्या होता है कि अगर हम में कुछ क्वालिटी है और हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हम फिर क्यों कंप्रोमाइज करें। अल्टीमेटली आपने अपने कंप्रोमाइज से आप बाहर निकल गए। जो आप टीचिंग वाले फील्ड में जा रहे थे वो आपका मन नहीं था, पर आप कर रहे थे, क्योंकि कुछ करना होता इसलिए कर रहे थे। पर कहीं ना कहीं मन था। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक बार आपको अपने मन की, अगर आपको लगता है सही डायरेक्शन में, तो सुन लेना चाहिए, और वो आपने सुना। नहीं तो अक्सर क्या होता है, 1-2 साल बाद बच्चे सोचने के लिए भी घबराते हैं, और आपने वो डिसीजन भी लिया, उसको प्रूफ भी करा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, डिसीजन लेना और उसको फिर सही प्रूफ करना, ये दोनों हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों किया, आज आपके चेहरे और आपके स्टेटमेंट से समझ में आ रहा है कि आप बहुत खुश हो। शायद आप वो जॉब करके टीचिंग बन भी जाते, पर आपको वो खुशी नहीं मिलती। हो सकता है अब आप एमसीए करके भी टीचर बन जाओ, पर आपने अपने मन की कर ली, आप बहुत खुश रहोगे, आप मोटिवेट कर पाओगे बच्चों को, आप कुछ बताओगे, क्योंकि आपने वो कर लिया जो आप चाहते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है। तो बहुत अच्छा लगा सोनी आपसे बात करके। अब आप एनआईटी वारंगल में भी अच्छे से परफॉर्म करो, अभी आपको बहुत फाइट करनी है, क्योंकि आपके इस गैप के वजह से जॉब में मुझे पता है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर एनआईटी वारंगल में हमको परसेंटाइल को मेंटेन रखना होता है, उसका ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। और ऐसे सभी लोग जो कि मिसगाइड हो जाते हैं या जिनको कभी कुछ स्टेप लेने से डर लगता है, उनके लिए आप एक रोल मॉडल हैं, और इस रोल मॉडल का जॉब भी आप अच्छे से निभाओ, मैं ये कहूंगा आपको। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।